हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो से स्टार्ट करने वाले हम क्लास नाइन्थ इंग्लिश, उसका फर्स्ट चैप्टर हमारा जो कि है द फन दे हैड। अब सबसे पहले हम बिफोर यू रीड से स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नो नाउ देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देम? द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज। ओके सर, ये जो स्टोरी है ये सेट है फ्यूचर में। फ्यूचर में जब शायद से मे बी स्कूल एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अब इसमें कुछ डायग्राम हमें दिया हुआ है, एक स्कूल नहीं होंगी तो क्या होगा, कैसे एजुकेशन होगी, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, वर्चुअल क्लासेस, रोबोटिक टीचर एंड मूविंग एड टेक्स्ट। सो स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर लिखा गया है ये कहा तो हमें ऐसे गया कि ये फ्यूचर से है, पर आप लोग जानते हो स्टूडेंट्स की आजकल के टाइम में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। एटलीस्ट करीबन 6-7 साल पहले, 10 साल पहले आपके पास स्मार्ट क्लासेस आ चुकी थी। आपके स्कूल के अंदर स्मार्ट क्लासेस होंगी जिसमें पूरे टेक्स्ट होते थे, मॉड्यूल्स होते थे, होगा आपके स्कूल के अंदर जिससे आप पढ़ते होंगे कभी कभी, राइट? स्मार्ट क्लासेस आ चुकी हैं। कुछ सालों से जब से कोविड स्टार्ट हुआ है, कोरोना वायरस पेंडेमिक आया है, तब से आप लोग घर में ही पढ़ रहे हो, स्कूल स्टार्ट नहीं हो रहे हैं। और घर में आप कैसे पढ़ रहे हो? लैपटॉप से, कंप्यूटर्स, फ़ोन्स, राइट? उससे पहले भी आप लोग PDF वगैरह इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा, ई-बुक्स से काफ़ी ज़्यादा आप जानते होंगे इन चीज़ों को, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो देन मे बी आई कैन अज्यूम कि आप लोग नेट से काफ़ी जुड़े हुए हो, तभी आपको इन चीज़ों के बारे में पता है और आप देख रहे हो। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। आप ये स्टोरी, ये जो लिखा गया होगा, जब ये बहुत टाइम पहले लिखा गया, आप जानते हो ये सारी स्टोरीज बहुत पहले लिखी गई हैं। ये जो चीज़ है जो इस चैप्टर में है, ये मे भी 4-5 साल पहले हम इसको अच्छे से पढ़ सकते थे और समझ सकते थे, लेकिन अब ये ऑब्वियस है। आप इस ज़िंदगी को जी रहे हो जिस स्टोरी में जो ये बच्चे जी रहे हैं, तो आप रिलेट कर पाओगे। स्कूल्स नहीं हैं, अब आप में से कुछ बच्चे होंगे जिनको जो काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, लेकिन कुछ बच्चे होंगे जो स्कूल को मिस कर रहे होंगे, और आप रिलेट कर सकते हो कि स्टोरी के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो कैसे सोच रहे होंगे, स्कूल कितनी अच्छी चीज़ होती होगी, पहले बच्चे मिलते होंगे, इन्जॉय करते होंगे, और अब नहीं है। सब लोग अकेले अकेले ही पढ़ रहे हो, इतना कोई कॉन्टैक्ट नहीं है आपका अपने दोस्तों से, राइट? जब से प्रॉब्लम चल रही है, तो जो आप उसी के ऊपर है कि फ्यूचर में क्या होगा। अब जो चीज़ अभी टेम्प्रेरीली हो रही है, इतना नहीं स्टार्ट हुआ है, हो सकता है फ्यूचर में आगे जाके बहुत और ज़्यादा पुश करी जाए। हो सकता है अभी ये सब टेम्प्ररी है, लग रहा है कि कुछ 1-2 साल और होंगे और ये सब होएगा, लेकिन उसके बाद हम सोचते हैं कि हम शायद दोबारा वापस जा पाएंगे पुरानी हैबिट्स में, लेकिन मुझे नहीं लगता स्टूडेंट्स, क्योंकि अब हम उस लेवल पे आ चुके हैं जब सबको इसके बारे में पता चल चुका है, राइट? तो शायद से दोबारा उस हैबिट में जाना मुश्किल होगा। मे बी इसके बाद आगे हम ऐसे ही बढ़ते जाएंगे और वो थोड़ी अच्छी बात नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, चलो देखते हैं फ्यूचर में क्या होगा। ये चैप्टर में दो बच्चों की कहानी है, एक मार्जी है और एक टॉमी है। अब जो मार्जी और टॉमी है वो दोनों दोस्त हैं और दोनों इन्हीं रोबोटिक टीचर से पढ़ाई करते हैं। अब जो टॉमी है उसको एक बुक मिलती है उसके दादाजी के टाइम की, और फिर वो मार्जी को दिखाता और वो सब लोग बात करते कि पूरा टाइम के स्कूल कैसे होते थे और वो बुक क्या है, क्योंकि उन बच्चों ने कभी वो बुक नहीं दिखी। सो बिना किसी तरीके हम स्टार्ट करते हैं कि हो क्या रहा है इस चैप्टर के अंदर। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157। शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। सो जो मार्जी है वो, ये जो चैप्टर है कैसे स्टार्ट हो रहा है, ये मार्जी का एक डायरी का एक पेज है जिसको हम पढ़ रहे हैं कि मार्जी ने अपनी डायरी में लिखा, डेट क्या है, 17 मई 2157। अभी क्या चल रहा है, अभी तो 2021 चल रहा है ना स्टूडेंट्स। फटाफट नीचे आप कमेंट सेक्शन में डालो कि इसका मतलब कितने साल बाद की स्टोरी हम पढ़ रहे हैं, कितने साल बाद की बात है। जब टॉमी को क्या मिला, एक रियल बुक मिली, कितना उनके लिए फैसिनेटिंग है कि आप देखो उसमें लिखा है रियल बुक, एक असली बुक। यानी फ्यूचर में हो सकता है एक बुक इतनी ज़्यादा रेयर हो जाए कि लोगों को किताबें मिलेंगी तो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे कि हमें एक किताब मिली है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। मार्जीज ग्रैंड फादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंड फादर टोल्ड हिम दैट
देयर वॉज अ टाइम व्हेन ओल्ड स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर. अब मार्जी ने सोच कहा, उनको एक बुक मिली और फिर मार्जी के दिमाग में आता है कि उसके दादाजी ने उसको बताया था कि जब उसके दादाजी छोटे थे तब उनके दादाजी ने उसको बताया था कि एक ऐसा टाइम था जब स्टोरीज कहाँ होती थी, वो छपी होती थी पेपर्स पे छपी होती थी स्टोरीज. अभी तो आप देखो हर जगह पेपर ही पेपर होते हैं, ऑफिस का सारा काम पेपर पे होता है, स्कूल का सारा काम पेपर पे होता है. हाँ धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आ रही है, पेपर्स का काम कम हो रहा है, लेकिन तो भी ये जो चेंज आ रहा है ना स्टूडेंट्स बहुत स्लो है. अभी भी कहा जा रहा है कि अभी भी 100 साल और लग जाएंगे हमें पेपर लेस होने के लिए, क्योंकि ये पेपर का यूज़ कहीं कम नहीं हो रहा, बढ़ता ही जा रहा है उल्टा. चाहे हम जितना डिजिटल हो जाए, पेपर का यूज़ अभी भी उतना ही हो रहा है, उससे तो ट्रिपल हो रहा है जितना अभी लास्ट 100 साल पहले हुआ था. तो कोई अभी टाइम नहीं लगा कि पेपर जाने वाले हैं, बड़े स्टोरी के अंदर जो पेपर्स है वो ख़त्म हो चुके हैं, पेपर्स नहीं हैं. तो इस कहाँ से वो कह रहे, क्योंकि जो मार्जी उसके दादाजी के टाइम पे पेपर जो होते थे, स्टोरीज जो होती थी वो पेपर पे लिखी जाती थी. दे टर्न द पेजेस विच वर येल्लो एंड क्रिंकली एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन यू नो. अब उसके बच्चे काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटेड है, काफ़ी ज़्यादा हैरान है, क्योंकि जो बुक्स हैं उनकी अंदर जो पेजेस हैं उनके ऊपर जो वर्ड्स हैं वो हिल नहीं रहे हैं, क्योंकि उन बच्चों को किस चीज़ की आदत है, विजुअल्स की आदत है. उन बच्चों को आदत है कि जैसे स्क्रीन के ऊपर आपने देखा ना यूट्यूब वीडियोज़ में कुछ एनिमेशंस होती हैं, एनिमेशन किसी किसी हिलती, तो सोच रहे हिल नहीं रहा है, तो बस वो बात से काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड है. And then when they turned back to the pages before, it had the same words on it that it had when they were read it on the first time. अब वो देख रहे हैं कि उन words भी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा एक ही words जो repeated हैं, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि the या a और an कोई words होते, तो बार 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 कोई कोई नए word होंगे, एक ही words होते हैं, कुछ ही words हैं, तो सारे words बार बार लिखे गए हैं, repeated हैं, मतलब कोई पिक्चर नहीं है, कोई डायग्राम नहीं है, बस लिखा ही लिखा हुआ है. तो ये देख रहे हैं. जी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रू अ विद अ बुक यू जस्ट थ्रू इट अवे. आई गेस आर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर. आई वुडंट थ्रू इट अवे. सेम विद मी, सेड मार्जी. शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मेनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड. ही वाज 13. अब इसमें हम पढ़ते हैं दो बच्चों के बारे में, मार्जी की सूगिया भाग है, टॉमी का इंट्रोडक्शन. अब जो टॉमी है वो 13 साल का है, मार्जी 11 साल की है. टॉमी जो है उसका फ्रेंड है, स्कूल का दोस्त है. तो जो टॉमी है वो कहता है कि क्या कितना वेस्ट करते हैं ये लोग, मतलब हमारे कंप्यूटर के अंदर तो करीबन मिलियंस यानी लाखों से भी ज़्यादा बुकें आ जाएंगी, और यहाँ तो तुम एक बुक पढ़ो उसको फेंक दो. सो इससे कह रहे, जैसे आज के टाइम बस PDF होते हैं, आपने किंडल के बारे में सुना होगा, आजकल PDF बुकें आ गई, ई बुक्स आ गई हैं, एक छोटा सा डिवाइस अपने फ़ोन के अंदर आप स्टूडेंट्स आप कितने हज़ारों बुक्स डाउनलोड कर सकते हो. एक ज़माना आएगा आप लाखों कर पाओगे, राइट. तो उसी की बात करें तो वो सोच रही कि कितनी वेस्टेज करते थे पुराने टाइम के लोग इन किताबों से. तो मार्ची उससे एग्री करेगी, हाँ सच में. शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट. इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक. What is about? It's cool. अब वो पूछता है कि तुम्हें कहाँ मिली ये बुक. वो कहता है टॉमी कहता है मैं स्कूल में मुझे मिली, मुझे मेरे घर में मिली मेरे घर की छत पे. अब जो एटिक होता है ना स्टूडेंट्स, मतलब छत, मतलब जैसे आप देखो जो वेस्टर्न घर होते हैं ना अमेरिका US वगैरह में, वहाँ पे ना दो टाइप की चीज़ें होती हैं जो इंडिया के घरों में नहीं होती. एक होता है एटिक और एक होता है बेसमेंट. उनके घर के नीचे भी आपने देखा है, वो सीढ़ियाँ नीचे जा रही होती है जमीन अंदर, अंडरग्राउंड उनका एक घर बना होता है छोटा है ना अंदर, ये जिसमें वो स्टोर रूम टाइप बनाते हैं. और एक उनका घर की छत के ऊपर होता है, क्योंकि जो घर की छतें होती है ना वो ऐसे वी शेप की बनी होती है रूफ टाइप, तो इस कारण से वहाँ भी जगह होती है. तो उसको वहाँ टॉमी को वो मिला. ओके मार्जी वो स्कॉर्नफुल. स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल. अब मार्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा उस मूड में आ गई, जैसे कोई बेकार की बात चल रही है, और वो कह रही है कि स्कूल के बारे में क्या हम लिख सकते हैं, मुझे स्कूल अच्छे नहीं लगते.
Margie always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. अब उसी में कह रहे कि मार्जी को ना स्कूल अच्छे नहीं लगते थे और अब उसको स्कूल और भी ज़्यादा अच्छे नहीं लगते थे क्योंकि जो उसका वो रोबोटिक टीचर था उसको पढ़ाता था वो उसको टेस्ट पे टेस्ट लगातार ज्योग्राफी के दिए जा रहा था और फिर जो उसकी बाद में उसकी मम्मा को रियलाइज़ होता है कि वो जो रियलिटी वो मशीन ख़राब हो गई है तो वो एक काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाते हैं। अभी काउंटी इंस्पेक्टर कौन है? काउंटी इंस्पेक्टर बेसिकली स्टूडेंट्स इस स्टोरी में स्पेसिफिकली एक उस मशीन को ठीक करने वाला को मैकेनिक टाइप है, राइट, जो ठीक करता है मशीन को। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। अब वही छोटा सा आदमी था, गोल मटोल सा, जिसका लाल चेहरा था और उसके पास एक बॉक्स है जिसमें बहुत सारे टूल्स, बटन्स और तारे थे। ही स्माइल्ड एट मार्जी एंड गेव हर एन एप्पल देन टुक द टीचर अपार्ट। मार्जी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर सो देयर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड ऑल द क्वेश्चंस एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड दिस वॉज़न्ट सो बैड। अब जो मार्जी है वो सोच रही थी कि लाइक ये जो भी ठीक करने आया मशीन को काश इसको पता ना हो कि उस मशीन को रोबोटिक मशीन को तोड़ने के बाद जोड़ते कैसे हैं। लेकिन वही हुआ जो जिसको मार्जी का डर था, उसको उस मैकेनिक को आता था कि कैसे रोबोट को दोबारा जोड़ते और उसको जोड़ दिया और फिर वो दोबारा से अपनी जैसे था पहले वो काला सा बड़ा सा बड़ी सी स्क्रीन वाला अगली बदसूरत वो एकदम जुड़ गया और वो सही हो गया। द पार्ट ऑफ मार्जी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। अब जो चीज़ थी उस मशीन टीचर की जो मार्जी को सबसे ज़्यादा बुरी लगती थी वो ये था कि उसके अंदर एक स्लॉट मतलब डालने की जगह थी जिसके अंदर वो अपना होमवर्क वगैरह या टेस्ट पेपर डालती थी। She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. अब जो चीज़ है मार्जी कहती है कि जितने भी टेस्ट पेपर्स वगैरह होमवर्क होता था उसको उस बॉक्स के अंदर डालना होता है, स्लॉट डालने की चीज़ होती है। जैसे आप कभी बैंक में गए हो तो एक मशीन होती है जिसमें पैसे काउंट होते हैं, उसी टाइप की मशीन होती है जिसमें आप कोई चीज़ डाल लो वो उसको काउंट करती है, उसको पढ़ती है, फिर आपको रिप्लाई कर देते कि सही आंसर क्या है। तो वो कह रही कि अब उसको पंच कोड में लिखना पड़ता था। पंच कोड क्या होता है? पंच कोड होता है स्टूडेंट्स कि आपने OMR शीट्स देखी हैं, जो कंप्यूटर होता है ना वो हमारी लिखावट नहीं पढ़ सकता, हैंडराइटिंग नहीं पढ़ सकता, वो कुछ स्पेसिफिक कोड्स को पढ़ सकता है। तो एक पेपर की शीट होती है जिसके अंदर हम डॉट डॉट चीज़ें बनी होती हैं जिनके ऊपर हमें पेन से गोल गोल निशान बनाने होते हैं। अब वो जो गोल गोल निशान होते हैं ना कंप्यूटर उनको पढ़ सकता है और फिर वो देखते हैं कि वो गोल गोल निशान किन किन जगह है और जिन जिन जगह होते हैं उसके हिसाब से वो टिक टिक कर लेता है कि हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, और फिर उसके हिसाब से वो मार्क्स के आंसर दे देता है। OMR शीट्स होती हैं, आपने देखी होंगी, अभी आपकी 10th के और 12th के पेपर होंगे। अगर कोरोना नहीं होता और नहीं पढ़ता तो अच्छे से तो आप OMR शीटें देखोगे जिसके अंदर आप अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करते हो। जो जो कंप्यूटर है ना वो उनको ही देखता है, उन्हीं को वो समझ पाता है, तो वो उसकी बात कर रही है। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हेड। अब जो इंस्पेक्टर है वो जो ठीक करने वाला होता है वो खुश, वो हंसता है और इसके बाद जब वो उसका काम ख़त्म हो जाता है तो वो मार्जी के सिर पे वो थप थप करते ना, कोई दबाते ऐसे मारते हल्का सा, वो करता है। ही सेड टू हर मदर, उसकी मम्मा को कहता है, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिस जोन्स, I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes. I've slowed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. And he patted Margie's head again. अब उसके बाद इंस्पेक्टर कहता है उसकी मम्मा को कि ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, वो मशीन में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, इस कारण से वो बार बार टेस्ट दिए जा रहे थे, कभी कभी हो जाता है ऐसा। और वो कहता है मैंने इसको दोबारा, जो उसके बच्ची का 10 साल का सेट है, मैंने उसमें उसको कर दिया मशीन को, और जितनी प्रोग्रेस इस बच्ची ने करी है ना मार्जी ने, वो अच्छी है, सेटिस्फैक्ट्री है। और फिर वो दोबारा मार्जी के सर पे थप थप करता है
मुझे भी अच्छा नहीं लगता कोई था ऐसे थप थप करता है तो. ओके आगे हम देखते हैं. मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड. शी हैड बिन होपिंग दे विल टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर. दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली. सो शी सेड टू टॉमी, वाई विल एनी वन राइट अबाउट स्कूल. अब जो मार्जी है उसका मूड ख़राब था, वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड, मतलब उसको काफ़ी बुरा लग रहा था क्योंकि वो सोच रही थी कि शायद वो लोग आएंगे ठीक करने और फिर वो जो उसकी टीचर है मैकेनिकल रोबोट टाइप है उसको ले जाएंगे उसी तरीके से जिस तरीके से उन्होंने टॉमी की जो बुक टॉमी का जो टीचर था उसको करीबन एक महीने के लिए ले गए थे क्योंकि जो उसका हिस्ट्री सेक्टर था जो भी उसका हिस्ट्री का सब्जेक्ट का कुछ भी होगा वो चल नहीं रहा था मशीन के अंदर, लेकिन वो नहीं लेकर गए. अब वो टॉमी से पूछते कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा. टॉमी लुक्ड एट हर विद सुपीरियर आइज बिकॉज इट्स नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, दिस इज ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर अगो. ही सेड लॉफ्टीली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो. मार्जी वॉज हर्ट. वेल I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book on his shoulder for a while and they said, anyway, they had a teacher. अब उसके बाद जो टॉमी है वो एक काफ़ी एटीट्यूड के साथ, मतलब जैसे उसको बहुत कुछ पता है, वो बोलता है कि वो हमारा स्कूल नहीं है स्टूपिड. वो ये जो स्कूल है जिनकी हम बात करें करीबन सौ से भी ज़्यादा साल पहले की बात कर रहे हैं. फिर वह मार्जी जो होती है उसको काफ़ी ज़्यादा दुख लगता है और फिर वो कहती है कि मुझे नहीं पता उन जो उस टाइम पे स्कूल होगा वो कैसा होगा. लेकिन वो तो भी जो बुक है उसको पढ़ते पढ़ते कहती है कि ठीक को एक कोई बात नहीं, चलो उनके पास एक टीचर तो था. श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजेंट अ रेगुलर मैन, इट वॉजेंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन. वो कहता है कि हाँ उनके पास एक टीचर था लेकिन वो एक हमारा रोबोट वाला टीचर नहीं था, वो एक आदमी था, वो एक इंसान था. अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर. वो कहते हैं कि आदमी एक इंसान मतलब वो टीचर कैसे बन सकता है. वेल ही जस्ट टोल्ड बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चंस. वो कहता है कि क्यों नहीं, वो बस जितने भी लड़के लड़कियाँ होते थे उनसे चीज़ें पूछता था, उनको होमवर्क देता था और उनसे क्वेश्चन पूछता था. अ मैन इज इन स्मार्ट इनाफ, श्योर ही इज. माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर. He knows almost as much, I betcha. Margie wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. अब उसके बाद क्या मार्जी क्या कहती है कि एक आदमी यानी एक इंसान इतना स्मार्ट नहीं हो सकता. अब वो टॉमी कहते हैं कि हो सकता है ना, मेरे पापा को उतना ही पता है जितना मेरे टीचर को पता है. तो उसके बाद जो मार्जी होती है वो काफ़ी ज़्यादा कहते हैं कि हाँ लगभग तो हो सकता है बट ऐसा नहीं, ये हो सकता है, मतलब लगभग नहीं ऑलमोस्ट, मतलब होता है लगभग हो सकता है. पूरा टीचर जितना उसको नहीं पता होगा लेकिन हो सकता है उसको उससे थोड़ा सा कम पता हो. मार्जी उसको ऐसा नहीं टॉमी के साथ कोई लड़ाई वगैरह करना चाहती थी. और फिर उसके बाद वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि कोई स्ट्रेंज आदमी आके मेरे घर में मुझे पढ़ाए. टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर. अब टॉमी एकदम चिल्लाते हुए हंसता है. यू डोंट नो मच मार्जी, द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, श्योर इफ दे वर द सेम एज. अब जो टॉमी होता है वो कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता मार्जी, तो टीचर्स थे वो घरों में नहीं रहते थे, एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी और बच्चे वहाँ जाते थे. और फिर वो कहती है मार्जी कि सारे बच्चे फिर एक ही चीज़ सीखते थे. वो कहता है कि हाँ अगर वो एक एज के होते तो वो एक ही चीज़ सीखते. बट माय मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच एंड बॉय एंड गर्ल इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली. वो कहती है पर मेरी मम्मा कहती है कि हर एक टीचर को जो भी बच्चे को पढ़ाती है उसको एडजस्ट करना पड़ता है उस बच्चे की कैपेबिलिटीज़ के अनुसार, कि मतलब कैसे हर एक बच्चे क्योंकि अलग अलग तरीके से सीखता है तो हर अलग अलग तरीके से टीचर एडजस्ट करते हैं. जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन. इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड दैट बुक. आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्जी सेड क्विकली. शी वांटेड टू रीड अबाउट ऑल दोस फनी स्कूल्स. दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड. मार्जी स्कूल, मार्जी लुक्ड अप. नॉट येट मामा, नाउ सेड मिस जोन्स. एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू. Margie said to Tommy, can I read that book some more with you after? Maybe, he said nonchalantly. He walked away whistling, the dusty book tucked beneath his arm.
अब क्या हुआ, अब वो लोग ये बातें कर रहे हैं कि कैसे उसकी मम्मा उसको बताती है कि जो टीचर है रोबोटिक उसको बच्चे के अनुसार एडजस्ट होना पड़ता है कि बच्चा कैसे सीखता है वगैरह वगैरह, उसका दिमाग कैसा है उसके अनुसार। पर टॉमी कहता है कि ठीक है ऐसा होता है अभी, लेकिन पुराने टाइम में ऐसा नहीं होता था, उस टाइम में वही वो सब वही पढ़ते थे जो उनको पढ़ाया जाता था, ऐसे कोई चेंजेस नहीं होते। और फिर उसमें वो कहता है कि अगर तुम्हें नहीं पढ़नी है ना बुक तो ना पढ़, तो वो कहती है फिर मार्जी कि नहीं मुझे पढ़नी है। और फिर उसके बाद वो ख़त्म भी नहीं होते, उन्होंने बुक इतनी सी भी नहीं पढ़ी थी। मार्ज की मम्मा उसको बुला लेती है कि उसको स्कूल का टाइम हो गया। और फिर उस बार टॉमी, फिर वो मार्ज टॉमी से पूछता है कि क्या मैं वो बुक पढ़ सकती हूँ बाद में जब मेरा स्कूल ख़त्म हो जाए। तो टॉमी उसको दोबारा वही अपने एटीट्यूड के साथ कहता है कि ओके मे बी देखेंगे कि तुम पढ़ सकती हो नहीं पढ़ सकती हो। और फिर उसके बाद क्या, मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। अब उसका मार्जी अपने स्कूल रूम चली जाती है और जो उसका रूम था वो उसके घर रूम के बेडरूम के पास ही था। वो सिर्फ क्या लिखा है यहाँ पे, वो सिर्फ हर दिन एक ही टाइम पे ऑन होता था एक्सेप्ट सैटरडे और संडे, क्योंकि उसकी मम्मा क्या कहती थी कि जो छोटी लड़कियाँ होती हैं वो अच्छा याद करती हैं अगर वो एक ही समय पे पढ़ती हैं। द स्क्रीन वॉज लेट अप एंड इट सेड टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन प्रॉपर सूट। मार्जी डिड सो विद अ साई, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। अब उसके बाद स्क्रीन तो स्टार्ट हो गई है, अब वो टीचर तो है नहीं, मतलब ऐसे टीचर नहीं है कि जिसमें कोई इमोशन है कोई फीलिंग, वो तो एक रोबोट है और वो कह रहा है बस अपना होमवर्क डालो पिछले बार का और इस बार हम अर्थमेटिक के लेसन लेने वाले हैं। और इस बार मार्जी एकदम साइग, साइग का मतलब होता है लाइक उदासी के साथ, एक टायर्डनेस के साथ, लाइक थकान के साथ वो अपना होमवर्क डाल देती है। और वो उस पर उसका दिमाग अभी भी वही उन थॉट्स में होता है कि कैसे उसके दादाजी के दादाजी जब छोटे थे ओके स्कूल में जाते थे वो स्कूल कैसा था। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड सिटिंग टुगेदर इन स्कूल रूम गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। अब वो याद कर रही है कि कैसे हो सकता है उस टाइम पर जो बच्चे हैं वो सब लोग एक ही नेबरहुड मतलब एक ही आस पड़ोस से एक ही आस पास की जगह से जाते थे स्कूल, बातें करते हुए एक ही टीचर से पढ़ते थे, सारे ग्रुप में एक ही उनको होमवर्क मिलता था और फिर वो बाद में वो बातें करते थे, होमवर्क को एंजॉय करते होंगे, समझते होंगे एक दूसरे के साथ, राइट एंजॉय करते होंगे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर्स थे वो कोई रोबोट नहीं थे, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर कोई इमोशन नहीं है फीलिंग्स नहीं, वो इंसान थे जिनको पढ़ाते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन वेन वी एड फ्रैक्शंस हाफ एंड Margie was thinking about the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. और इसी से हमारा चैप्टर कम्प्लीट होता है। जो मशीन है उसके लेसन चलते जा रहे थे लेकिन जो मार्जी थी वो अपनी अभी भी उस सोच के अंदर वो खोई हुई थी कि कैसे वो पुराने दिन होंगे, कैसे वो बच्चे इन्जॉय करते होंगे और उनको कितना मज़ा आता होगा। सो ये हमारी पूरी स्टोरी कम्प्लीट होती है इसी के साथ साथ। इसको लिखा गया स्टोरी को इसाक एसिमोव ने। ये स्टोरी रियलिटी में स्टूडेंट्स बहुत पुरानी स्टोरी है, करीबन लाइक 10-20 साल पहले की स्टोरी है ये, और अब तो ये एक रियलिटी है स्टूडेंट्स, आप ये लाइफ अभी जी रहे हो कि कैसे आप लोग स्कूल नहीं जा पा रहे इस कोविड के कारण और कैसे आपको घर में अकेले पढ़ना पड़ रहा है, आप अपने फ्रेंड से नहीं मिल पा रहे हो। सेम समझो जो जो हालत आपकी अभी हो रही है वो मार्जी की है, उसके साथ कोई नहीं है, वो लाइफ कोई उस तरीके से नहीं जी पा जिस तरीके से आप स्कूल के बच्चे जब स्कूल जाते थे और जी पा रहे हो। वो कब तो स्कूल गए ही नहीं है क्योंकि उसके टाइम स्कूल ही नहीं है। आपको क्या लगता है आपको कैसी लाइफ जीनी है जो मार्जी जी रही है? आपको क्या ऐसे स्कूल जाना है जहाँ पर मार्जी जा रही है, या आपको अपने स्कूल जाना जैसे आप जाते थे अपने टाइम में अभी जब कोविड स्टार्ट नहीं हुआ था, वो ज़्यादा अच्छा है या ये ज़्यादा अच्छा है? मैं ऐसा नहीं कह रही आप किसी एक को चूज़ करो, पर मैं ज़रूर चाहती हूँ कि आप नीचे आप अपने थॉट्स डालो। से हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। कोई भी प्रॉब्लम है सजेशन है स्टूडेंट्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आंसर दूंगी। कोई भी कोई प्रॉब्लम है कुछ बताना है वो भी बता सकते हैं। बाय स्टूडेंट्स।